ऑनलाइन फार्मेसी के सप्लायर्स के खिलाफ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र एफडीए ने 71 सप्लायर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए, डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ पांडे है। सौरभ, क्या खबर आपके पास आ रही है, जिस तरीके से कार्रवाई महाराष्ट्र एफडीए ने की 71 सप्लायर्स के खिलाफ? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है आज के दौर में ई फार्मेसी का जो ट्रेंड है बड़े लेवल पर जो है वो जाते हुए दिख रहा है, उसी को देखते हुए जो है कई तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सही तरीके से जो है इन प्लेयर्स की ओर से नहीं की जाती और इनके जो सप्लायर्स हैं उनकी तरफ से नहीं की जाती, जिसको ध्यान में देखते हुए महाराष्ट्र एफडीए ने जो है ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 के उल्लंघन के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई की है। ये जो कार्रवाई की है वो किस वजह से की है वो हम आपको इस बार बता देते हैं। वो ये है कि ये जो दवा बेचते थे वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बेचते थे या फिर गलत तरीके के प्रिस्क्रिप्शन के जरिए बेचा जाता था। एक केस तो इस तरह सामने आया है जिसमें कि वेटरनरी डॉक्टर जो है उसके प्रिस्क्रिप्शन पर जो है वो दवा दी गई है। वो जो दवाई है वो उनके नाम हम बता देते हैं इस बार, जो है शेड्यूल एच ड्रग्स जो है वो दी गई थी, शेड्यूल H1 जो है वो दी गई थी, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं जो है वो इसके जरिए जो है वो दी गई थी। और ये जो दवाइयां हैं इनके जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि पेशेंट कौन है, प्रिस्क्राइबर कौन है, प्रिस्क्राइबर यानी कि जो डॉक्टर है वो कौन है, पेशेंट का एड्रेस और जो क्वांटिटी होती है वो इसके जरिए जो है रखा जाता है, जिसका पूरा लेखा जोखा जो है केमिस्ट वाले को और फार्मेसी को जो है वो बना के रखना होता है। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्टेड चीज़ें होती हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड दवाइयाँ हैं जिसमें कि MTP किट्स हो गई, अबॉर्शन पिल्स हो गई, वाइग्रा जैसी गोलियाँ हैं वो भी जो है प्रॉपर बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो बेची जाती थी इन फार्मेसी के जरिए, जिसके बाद जो है महाराष्ट्र एफडीए ने जो है कुल 81 इंस्पेक्शंस किए थे, जिसमें से जो है 71 के खिलाफ जो है उन्होंने एक्शन लिया। अगर एक्शन की बात की जाए तो उसमें से करीब जो FIRs हैं वो 25 FIR की गई हैं। इसके अलावा जो अगर लाइसेंस सरेंडर की बात की जाए तो कई लोगों ने जो है वो अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं। अगर बात की जाए लाइसेंस कैंसिलेशन की तो 30 लाइसेंस कैंसिलेशन हुए हैं। सस्पेंशन की बात की जाए तो 34 लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अगर कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में प्रोसिक्यूट किए गए हैं, उसमें 5 केसेस हैं। इसके अलावा कई फार्मासिस्ट ऐसे थे जो कि सामने से आकर जो है अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए, जिसमें कि 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें से फार्मासिस्ट स्वयं सामने से आकर जो है वो अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए। इसके अलावा 6 केसेस ऐसे थे। तो कुल मिलाकर जैसा आप बता रहे हैं सौरभ कि एक बहुत बड़े एक नेक्सस या चेन को की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि FIR भी दर्ज की गई है और खुद महाराष्ट्र एफडीए ने एक बड़ा एक्शन किया ई फार्मेसी के कई सप्लायर के खिलाफ। जानकारी देने के लिए मैं सौरभ आपका धन्यवाद करूंगी।